गो फर्स्ट फ्लाइट को लेकर एक नया अपडेट सामने आ गया है। कर्ज के दबाव से गुजर रही एयरलाइंस गो फर्स्ट ने अपने सभी फ्लाइट्स को अब 28 मई तक के लिए कैंसिल कर दिया है। कंपनी ने बजट और परिचालन कारणों का हवाला देते हुए इन सभी फ्लाइट्स को कैंसिल किया है। इससे पहले भी कई बार एयरलाइंस ने सभी फ्लाइट्स को रद्द किया था। पहले 26 मई तक सभी उड़ानों को रद्द कर दी गई थी। बता दें कि एयरलाइंस ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा है कि हमें यह सूचित करते हुए खेद है कि कारोबारी कारणों के चलते सभी फ्लाइट्स को 28 मई तक के लिए रद्द किया गया है। उड़ान रद्द होने की वजह से हुई असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। साथ ही कहा कि जल्द ही सभी यात्रियों को भुगतान रिफंड कर दिया जाएगा। बताते चलें कि गो फर्स्ट एयरलाइंस ने यह भी कहा कि कंपनी ने तत्काल समाधान और परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए एक आवेदन दिया है। जल्द ही यात्रियों के लिए फिर से बुकिंग की सुविधाएं शुरू की जाएंगी। फिलहाल इसके लिए अभी कोई भी डेट जारी नहीं की गई है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से गो फर्स्ट को अपना कारोबार फिर से शुरू करने की व्यापक योजना जमा करने के लिए 30 दिन का समय मिला है। इसके साथ डीजीसीए ने एयरलाइन से उड़ान भर सकने योग्य विमानों, पायलट और अन्य कर्मचारियों को, साथ ही मेंटेनेंस और फंड सहित अन्य चीजों की जानकारी देने को भी कह दी है। डीजीसीए ने यह आदेश 8 मई को जारी कारण बताओ नोटिस पर एयरलाइंस की ओर से आए जवाब के बाद जारी कर दिया। डीजीसीए के एक अधिकारी ने बताया कि गो फर्स्ट ने अनुरोध किया है कि उन्हें एक विस्तृत रिवाइवल प्लान बनाने के लिए मोरेटोरियम अवधि के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए। एयरलाइन कारोबार को फिर से शुरू करने से अपने रिवाइवल प्लान को रेगुलेटरी मंजूरी के लिए डीजीसीए के सामने पेश करेगी। एक बार आपको फिर से बताते हैं कि कर्ज के दबाव से गुजर रही एयरलाइंस गो फर्स्ट ने अपने सभी फ्लाइट्स को अब 28 मई तक के लिए कैंसिल कर दिया है। कंपनी ने बजट और परिचालन कारणों का हवाला देते हुए इन सभी फ्लाइट्स को कैंसिल किया है। इससे पहले भी कई बार एयरलाइंस ने सभी फ्लाइट्स को रद्द किया था। पहले 26 मई तक सभी उड़ानें रद्द कर दी गई थी। बता दें कि एयरलाइंस ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमें यह सूचित करते हुए खेद है कि कारोबारी कारणों के चलते सभी फ्लाइट्स को 28 मई तक के लिए रद्द किया गया है। उड़ान रद्द होने की वजह से हुई असुविधा के लिए हम क्षमा भी चाहते हैं। साथ ही कहा कि जल्द ही सभी यात्रियों को भुगतान का रिफंड भी कर दिया जाएगा। साथ ही गो फर्स्ट एयरलाइन ने यह भी कहा कि कंपनी ने तत्काल समाधान और परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए एक आवेदन दिया है। जल्द ही यात्रियों के लिए फिर से बुकिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। फिलहाल इसके लिए अभी कोई डेट सामने नहीं आया है।